हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं HDFC, इन्फोसिस एंड टाटा मोटर्स क्या लेवल होंगे बाइंग लेवल अगर ये फॉल कंटिन्यू रहता है। अगर फॉल कंटिन्यू रहता है तो कौन से लेवल पे हमें इनमें बाइंग बन सकती है या बाइंग मिल सकती है, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की बने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की बात करूँ तो देखो, इसने एक पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, और अगर ये यहीं इसको रिटेस्ट करके गिरना स्टार्ट करता है तो फर्स्ट जो लेवल होगा दैट इज़ 8990, यानी 990 तक गिर सकता है। 990 के लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, दैट इज ओनली 5%। 990 पर फर्स्ट बाइंग लेवल मिलेगा हमें, जहां हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर इसके नीचे निकलता है या ग्लोबली रिसेशन वाला सिनेरियो होता है, ओनली रिसेशन वाले सिनेरियो में ही ये फिर नीचे जाएगा और फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट लेगा, दैट इज़ 858, ठीक है। अगर रिसेशन वाला सिनेरियो नहीं बनता तो फिर ये यहीं सपोर्ट लेके ऊपर आ जाएगा एंड वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो क्लियर रखना, अगर फर्स्ट बाइंग हमें कुछ कैपिटल डालना है, इनफ्लो करना है, सो दैट इज़ अ लेवल जहाँ हम ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। सो दैट इज़ टाटा मोटर के, हाँ यहाँ पर हम इसमें बाइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस में फॉल स्टार्ट हुआ है। अब देखो, ये लेवल था जिसका ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था एंड इसको ब्रेक करके ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है, एग्जैक्टली वहीं आया है, 1893 के अराउंड है। एंड अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें 1820 तक का फॉल ईजीली देखने को मिल सकता है। बीच अब ये नहीं एक ही दिन में होगा, क्या होगा, यहाँ आएगा, यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। तो दो चार दिन में ये फॉल या एक वीक में आपको ये फॉल देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर रिसेशन वाला सिनेरियो इसमें भी बनता है तो फिर क्या रहेगा, 1731 तक का फॉल आपको देखने को मिलेगा एंड फिर सो ऑन, ठीक है। तो इसके बाद 1640, तो ये लेवल्स हैं, है ना। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये लेवल्स रहेंगे जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना हमें, ठीक है। यहाँ अगर आता है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना, ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट अगर यहाँ मिलता है 1731 तो हम एक बार इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। सेकंड लेवल 1640, सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। अच्छा हाँ, ये बुलिश कब होगा, तो अगर ये इसी के ऊपर रुकता है, मान लो 1893 के ऊपर ही कंसोलिडेट करता है, नहीं तोड़ता, तो ये दो तीन दिन इसके ऊपर रुकता है तो फिर ये बुलिश हो जाएगा ना। तो ये भी क्लियर रखना, ज़बरदस्ती नहीं कि हम तो सेल करके बैठ जाएँ, ठीक है। अगर सेलिंग प्रेशर ग्लोबली रहता है तो नो डाउट इसमें भी सेलिंग आएगी, और अगर नहीं रहता तो फिर दिक्कतें हैं। तो कल कहाँ ओपन हो सकता है, मार्केट काफ़ी नीचे है तो नीचे ही ओपन हो सकता है। HDFC बैंक अभी फॉल स्टार्ट नहीं हुआ तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर फॉल कंटिन्यू रहता है तो इसमें 1599 का लेवल है जिसको इसे तोड़ना पड़ेगा। अभी यहां से भी अगर 1599 भी देखें तो ये भी 2-3% है, एंड ये टूटता है तो फिर हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल जो बनेगा दैट इज़ 1492। यहाँ तक फॉल होगा नहीं होगा, सब हो जाएगा, है ना। अगर मार्केट में बेरिशनेस आई तो इतना फॉल होना बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। कितना फॉल है, ये 100 पॉइंट का फॉल है। अब 100 पॉइंट 1500 का है, 1600 का स्टॉक है, तो 100 पॉइंट ज़्यादा नहीं होता है, 8-9% होता है, ठीक है। 8-9% भी नहीं होते, यानी 5-6% ही होते हैं। बट हाँ, इसके बाद अगर ये सेकंड अगर फॉल कंटिन्यू रहा तो 1401, यानी फिर ये 12-13% टूट सकता है। तो नीचे के लेवल के लिए रखना, बुलिश कब होना है तो 1673 का लेवल अगर टूटता है, इसके ऊपर सर्वाइव करता है एक दिन में, तो फिर इसमें बुलिशनेस स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लियर रखना किस कौन से लेवल हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो 1492 1401। अब ये केवल एजुकेशन पर्पज़ से, तो क्लियर रखना टाटा मोटर, HDFC बैंक एंड इन्फोसिस तीनों अपने अपने सेक्टर, यानी बैंकिंग सेक्टर निकाल लो, IT सेक्टर निकाल लो, ऑटो सेक्टर निकाल लो, तीनों अपने अपने सेक्टर के बड़े प्लेयर हैं। तो लेवल्स क्लियर होने चाहिए, कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करना है या कहाँ हम स्केल्पिंग, यहाँ पे आएगा ना तो स्केल्पिंग भी काफ़ी अच्छी होगी, यानी आते ही थोड़ी सी देर में ही ये काफ़ी 1-2% बाउंस जरूर कर जाएगा, क्योंकि बायर्स बैठे होते हैं ऑलरेडी, बायर्स इन लेवल्स को लेके अपने सिस्टम में डाले रखते हैं कि हाँ यहाँ मिले तो हमें बाइंग करना है, ठीक है। उनकी रेंज होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बाइंग करना है, ठीक है, थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से। सो आई होप ये लेवल्स क्लियर होंगे। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।